अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज आप लोग ये सोच रहे होंगे कि यूनिफॉर्म मैंने पहनी हुई है, तो मैं आपको बता दूं कि मैं अभी स्कूल जाने वाला हूँ। सुबह का टाइम है तो हर तरफ खामोशी खामोशी है। मैं बोला ये वक्त ठीक हो वीडियो, तो वीडियो को शुरू करते हैं। आज जो हमारी वीडियो का टॉपिक है कि हम अपने किसी भी फोल्डर को लॉक पासवर्ड यानी कैसे लगा सकते हैं, और मैंने एक पीछे वीडियो भी बनाई है जो कि लॉक और अनलॉक फोल्डर में है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो भी आप लोग देख लेना। तो आज की वीडियो में आपको पासवर्ड लगाना सिखाऊंगा, और यानी आप उस पर पासवर्ड लगाएं और उसको कोई यानी उस फाइल को कोई ओपन ना करे, यानी आप जब उसके ऊपर पासवर्ड लगाएं तो तभी वो ओपन हो। तो आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलते हैं हम अपने स्क्रीन पर। तो जैसे कि हम अपने कंप्यूटर की स्क्रीन की तरफ आ गए हैं, तो अब पहले हम अपना एक फोल्डर बना लेते हैं। जैसे फोल्डर है, इसको मैं फोल्डर टू के नाम से नाम दे दिया है। तो अब मैं इसमें कोई फाइल शायद डाल देता हूँ। मैं ये वाली डाल देता हूँ फाइल, इसमें ये मैंने इसमें फ़ाइल डाल दी है, इसमें आ गई है। तो अभी आपने ये जो फोल्डर है इस पर राइट क्लिक करना है, और यहाँ पर लिखा होगा ऑप्शन ऐड टू अर्चीव। तो आपने ऐड टू आर्चीव इस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ऐसा इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। तो आपने इसके बाद यहाँ पर लिखा होगा सेट पासवर्ड, ये आपको दिख रहा भी हो मेरी स्क्रीन पर। तो आपने सेट पासवर्ड करना है, तो यहाँ पे पासवर्ड यानी आपने देना है जो यानी आप इस्तेमाल करना चाहते हैं। जैसे कि मैं दे देता हूँ 123। तो फिर आपने कन्फर्म कर लेना है, यानी दोबारा लिखना है 123, और फिर कर देना है ओके। ओके जैसे करेंगे तो फिर यहाँ पर भी ओके। तो जैसे ही आप ओके करेंगे तो यहाँ पर एक आपको जिप फाइल देखने को मिलेगी। तो आपने इसे ओपन करना है, इसे ओपन करेंगे तो ये देख रहे हैं, ये आ गई। अभी हमें कह रहा है कि पासवर्ड लिखें, तो अभी जो आपने पासवर्ड इंटर किया था वो आपने लिख देना है। जैसे कि मैंने जो पासवर्ड दिया था वो था 1, 2 और 3। जैसे ही मैं ये लिखूँगा, ओके करूँगा, तो ये फाइल देखें मेरे पास ओपन हो गया है। तो आप लगा सकते हैं इसी तरह पासवर्ड अपने भी किसी भी चीज़ को। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ओके।